दोस्तों आईफोन को लेकर लोग बड़े वाले दावे किया करते थे कि आईफोन जो है वो कभी हैक नहीं हो सकता। वे दावे इसलिए करते थे क्योंकि एप्पल कंपनी खुद ये दावा करती थी कि हमारे जो भी आईफोन्स हैं उसके जो भी सिक्योरिटी सिस्टम है उसको कोई क्रैक नहीं कर सकता, उसको कोई हैक नहीं कर सकता। पर ऐसा नहीं है दोस्तों, एप्पल के जो भी आईफोन्स आ रहे हैं वो सारे के सारे हैक हो सकते हैं। मैं आईफोन 11 या 12 की बात नहीं कर रहा हूँ, या फिर इससे पहले जो भी आईफोन्स आते थे जो पुराने होते थे, मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ लेटेस्ट आईफोन की, आईफोन 13 प्रो की, जो कि हाल ही में लॉन्च किया गया है। उसको चाइनीज हैकर ने हैक कर लिया है। अब आप खुद ही सोचिए कि जब आईफोन के जो लेटेस्ट मॉडल है आईफोन 13 प्रो, जब वो हैक हो गया तो नहीं तो ये 11 या 12 किस खेत की मूली है। देखिए, एप्पल हो या एंड्रॉयड हो, जब उसके मॉडल्स लॉन्च होते हैं तो उसमें जो भी बग होती है, जो कमियां होती है, उसे दूर किया जाता है ताकि नेक्स्ट मॉडल में ये चीज़ देखने को ना मिले। जैसे आपने देखा होगा कि 11 में जो बग है, जो कमियां है, उसे दूर करके 12 में दिया जाता है, यानी 12 में वो कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। जो 12 में कमियां है वो आपको 13 में खैर 13 की बात करें, 13 प्रो की बात करें, तो उसके जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हालांकि ये बात मैं पहले से जानता था कि आईफोन जो है वो हैक होगा ही, आखिर हुआ भी। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते थे कि क्या आईफोन कभी हैक हो सकता है क्या, तो मैं बोलता था कि जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज़ है। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, लेकिन एंड्रॉयड और आईफोन के कंपैरिजन में आईफोन ज़्यादा सिक्योर है। और आईफोन 13 प्रो को जिस हैकर ने हैक किया है वो कोई ऐसा वैसा हैकर नहीं है, वो वाइट हैट हैकर है जो कि गवर्नमेंट के थ्रू काम करता है, गवर्नमेंट के अंडर काम करता है। आपको बता दें कि चाइनीज गवर्नमेंट के थ्रू हर साल चेंगडू में तियानफो कप आयोजित किया जाता है। इस कंपटीशन में बड़े बड़े हैकर्स आते हैं, जिसमें कुछ हैकर्स वाइट हैट हैकर होते हैं जो कि गवर्नमेंट के थ्रू आते हैं। तो हाल ही में ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया है जिसमें आईफोन 13 प्रो को सिर्फ 15 सेकंड के अंदर हैक कर दिया है। हैक करने वाली टीम का नाम है कुनलून लैब टीम। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि हैकर्स ने iOS 15.0.2 पर चलने वाले iPhone 13 Pro को एक बार नहीं बल्कि दो बार हैक किया है। हैकर्स का कहना है कि इस हैकिंग के पीछे बहुत लंबे समय की तैयारी थी। आपको बता दें कि सिर्फ कुनलून लैब टीम ही नहीं जो iPhone 13 Pro को हैक किया है, टीम पंगू भी है जो एप्पल के iPhones और iPad को हैक करने में माहिर है। इस कंपटीशन में iPhone 13 Pro को रिमोटली जेल ब्रेक किया गया है, जिससे उसका सारा कंट्रोल हैकर के पास चला गया। हुआ कुछ यूं कि हैकर ने iPhone 13 Pro पर SMS के जरिए एक लिंक भेजा। यूजर जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करता है उसका फोन हो जाता है हैक, फिर हैकर के पास सारा कंट्रोल चला जाता है। फिर वो उसके जो भी पर्सनल डेटा है वो डेटा किसी के साथ शेयर कर सकता है, या फिर वो इंटरनेट पे अपलोड कर सकता है, या फिर उस डेटा को डिलीट भी कर सकता है। पर वो ऐसा नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि वो वाइट हैट हैकर है। इस कंपटीशन का मकसद ही यही होता है कि जो भी लूप होल्स हैं, यानी जो कमियां हैं, उसको बताना, कंपनीज को बताना था कि उन कमियों को दूर किया जा सके। ओवरऑल कंट्रोल तो हैकर के पास चला जाता है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जब मोबाइल फ़ोन की हैकिंग होती है तो उसे पता भी नहीं चलता, उसे भनक भी नहीं होती कि हमारा फ़ोन हैक किया गया है, क्योंकि वो जो प्रोसेस है वो सारा प्रोसेस बैकग्राउंड में होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आईफोन के सफारी ब्राउज़र और iOS कर्नल में खामी थी, जिसकी वजह से हैकर ने बड़े आसानी से आईफोन को हैक कर लिया। दोस्तों, अगर आप साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, हैकिंग से बचना चाहते हैं, अपने बैंक अकाउंट को बचाना चाहते हैं, तो हमारे इस टेक्निकल मेहताब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, खासकर उन लोगों को जो आईफोन यूजर्स हैं, ताकि उन्हें ये बात मालूम चल सके। कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।